ध्यान को अन्यत्र भटकने मत दो, यूं समझो तुम जल के अंदर नहीं हो। मेरी बात सुन रहे हो ना? चलो आ सुंदरी, कोमल कलाई को शंखासुर की पकड़ से छुड़ाने का तुम्हारा प्रयास विफल है। इस पूरे शंख लोक में ऐसा कोई वीर नहीं जो तुम्हें शंखासुर से बचा सके, इसलिए अब चुपचाप वही करो जो तुम्हारा ये स्वामी कहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे परोपकारी राजा भोज के जीवन का अंत नहीं हो सकता। मैं उसके निकट जाऊंगा। राजन, उठिए राजन, राजन! यदि तुम नहीं उठे तो इन पवित्र शंखों का क्या होगा? शंखासुर से इन पवित्र शंखों के जीवन को कौन बचाएगा? आपका संकल्प विफल नहीं हो सकता, आपको उठना ही होगा। राजन, उठो राजन, ये तुम्हारे गुरु ऋषि ज्ञानेश्वर का आदेश है। राजन, राजन उठो, उठो। राजन, अंततः आपने समस्त बाधाओं से लड़कर जलकुंभी विद्या पर विजय हासिल कर ही लिया। यदि आप जैसा गुरु हो तो असंभव भी संभव हो जाए। आपका शत शत नमन। वाह राजन, वाह, मान गया मैं आपको। आखिरकार आपने जलकुंभी विद्या सीख कर जल लोक में प्रवेश पा ही लिया। मत्स्य गंधा, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि मुझसे हंसी खुशी विवाह कर लो। मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधा, तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अंतिम बार कह रहा हूं, शंख से बाहर आ जाओ मेरे पास। इसी में तुम्हारी और तुम्हें शरण देने वाले शंख की भलाई है। शंखासुर ये शंख अपनी जान दे देगा पर मुझको तुझे कभी नहीं देगा। तुम दुनिया में सब कुछ पा सकते हो पर मुझे कभी भी नहीं। तो फिर अपने इनकार का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ओ! आप रुक क्यों गए? नष्ट कर दीजिए इस बैरी शंख को। मंत्री, मेरा वैरी ये शंख है, इसके अंदर बैठी मत्स्य गंधा नहीं, वो तो मेरी प्रेमिका है। यदि मैं इस शंख को नष्ट करूंगा तो मेरी मत्स्य गंधा का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अगर ये बात है तो हमें दक्षिण मुखी शंख को मारने का विचार त्यागना ही होगा। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है मंत्री कि मैं इन दोनों को नष्ट नहीं करूंगा, इन दोनों को बंधी बनाकर रखूंगा।
और ऐसी जगह बंदी बनाकर रखूंगा, ऐसे अंधकार में रखूंगा कि एक प्रकाश की छोटी सी किरण पाने के लिए भी ये तरसेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको बंदी गृह में डाल देता हूं। मंत्री, ये नेक काम तुम नहीं, कोई और करेगा। हे शंखलोक की कंदराओं में बसने वाले अंधकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। अंधकासुर उपस्थित है महाराज, आदेश करें। अंधकासुर, इस शंख को ले जाओ और अपने गहन अंधकार के बंदीगृह में कैद कर रखो। तब तक कैद करके रखो जब तक इसमें छुपी मत्स्य गंधा अपनी इच्छा से बाहर आकर मुझसे विवाह करने के लिए हां न कह दे। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने जलकुंभी विद्या सिखाकर मुझे इस योग्य बनाया कि मैं शंखलोक में प्रवेश कर सकूं, उसके रहस्यों को जान सकूं, उसके भेदों को जान सकूं और शंखासुर के आतंक से सारे शंखों को और देवी मत्स्य गंधा को बचा सकूं। तब मुझे आज्ञा दी। राजन। हरिशिवर, शंखलोक जाने से पहले शंखासुर के सच को जानना अनिवार्य है। क्या इतना सच जान लेना पर्याप्त नहीं कि वो एक असुर है, एक अधर्मी है? राजन, इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है, उसके शंखों को नष्ट करने की भावना के सच को जानना अति आवश्यक है। वो शंखों को नष्ट क्यों करना चाहता है ऋषिवर? इसलिए नष्ट करना चाहता है कि इन शंखों की शंख ध्वनि से उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा उसे श्राप मिला है। शंखों की ध्वनि से मृत्यु? हाँ राजन, दक्षिणामुखी शंख के शंखनाद से। और श्राप का कारण? एक समय की बात है, शंखासुर ने बेताल और बेसुरे स्वर के शोर से संपूर्ण सृष्टि को त्रस्त कर दिया था। देवराज इंद्र, ये शोर बंद करवाइए। इस शंखासुर ने तो विकट स्वर उत्पात बचा रखा है। किंतु वो चाहता क्या है? ऋषिवर, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि उसके शोर से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। ऐसा लगने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा। पर देवताओं ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? किया। देवता इस शोर से त्रस्त होकर परमपिता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे इस शोर को बंद कराने का आग्रह किया। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम देवों की रक्षा कीजिए। क्या कारण है इंद्रदेव, जो आपने हम तीनों को एक साथ बुलाया? ब्रह्मदेव, इस ध्वनि को शांत कराइए, अब और अधिक समय तक हम इस शोर को सहन नहीं कर पाएंगे। पूरा ब्रह्मांड कंपित हो रहा है प्रभु। यह सत्य है कि यदि यह स्वर उत्पात रोका नहीं गया देवों, तो प्रलय से पूर्व ही प्रलय की स्थिति आ जाएगी। यह अत्यंत कर्णकटु एवं कर्कश ध्वनि है। जब हम देवों की यह स्थिति, यह ध्वनि हमसे नहीं सहन हो पा रही है, तो सोचिए पृथ्वी लोक के वासियों की क्या स्थिति होगी। मुझे तो यह आशंका है कि इस ध्वनि से बहुत से प्राणियों की मृत्यु हो चुकी हो। अतएव आपसे अनुरोध है कि इसका कुछ उपाय निकालिए। धैर्य रखें इंद्रदेव, इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा।
तो ब्रह्मदेव ने क्या किया ऋषि? तब ब्रह्मदेव शंखासुर के पास गए। शंखासुर, ब्रह्मदेव आप तो मैंने बुला ही लिया आपको। तुम्हारे इस अप्रिय कोलाहल के कारण हमें आना ही पड़ा। क्यों मचा रखा है इस स्वर उत्पात? क्यों सबकी शांति समाधि भंग की है? क्या चाहिए तुम्हें? वरदान, अमरता का वरदान। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब नहीं बंद होगा ये शोर, ये कोलाहल। शंखासुर, इस सृष्टि में कुछ भी अमर नहीं है, सब कुछ नाशवान है। तुम्हारा भी नाश होगा, तुम्हारी भी मृत्यु होगी, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु का कारण दक्षिणमुखी शंख की पवित्र ध्वनि होगी। ब्रह्मदेव, यदि दक्षिणमुखी शंख की ध्वनि मेरी मृत्यु का कारण है तो इस संसार से मैं उस कारण को ही मिटा दूंगा। ना होंगे शंख, ना होगी उनकी ध्वनि और ना ही मेरी मृत्यु, और तब तब सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। राजन, संसार में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के बिना तपस्या किए हुए वरदान प्राप्त हुआ था। किंतु ऋषिदेव, अधर्मी को मिला वरदान ना तो स्थायी होता है ना दीर्घायु, और ये वरदान शंखासुर की अधिक दिन तक रक्षा नहीं कर पाएगा। आपका कथन सत्य है राजन, धर्म के मार्ग पर अधर्म केवल विघ्न उत्पन्न कर सकता है, धर्म पर राज नहीं, राज तो केवल धर्म ही करेगा। विजय पताका तो केवल धर्म का ही लहराएगा। आपके आशीर्वाद से शंखासुर के साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो। विजयी भवा। जय महाकाल। पता नहीं राजा भोज शंख लोक में पहुंचकर कौन सा कद्दू में तीर मार रहे होंगे। मैं तो भूल ही गया कि मैं सौंदर्य लेखा को बुद्धू बनाकर गया था। बेताल कुछ भी हो, ये बेतालनी प्रेम तुमसे बहुत करती है। तुमसे विवाह करने के लिए इसने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। ये कैसे हो सकता है? मतलब उन्हें का आम? क्यों क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बेताल, तुम ही ने तो कहा था इस पेड़ से टपकेगा आम, इसीलिए तो मैंने मेरा जीवन किया तुम्हारे नाम। अब तो तुम्हें ये प्रेम अंगोच पहनना ही होगा। सौंदर्य लेकर देखो, मैंने झूठ बोला था। ओहो, तो ये भी कहा सच्चा सोने का आम है। ओहो बेताल, इतना भी मत चौंको। तुमने मुझे बनाया बुद्धू समझ के मैं हूँ भोली, तो मैंने भी मेरे दिमाग की पोटली खोली और मेरे मन में आया एक विचार। मैंने सोचा क्यों ना बनाऊ मैं ही जादू से सोने का आम। तो उसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है? हाँ, अब तो तुमने ये प्रेम अंगोचा लिया है पहन, अगर इसे उतारो तो नहीं होगा सहन।
अगले 6 महीनों के लिए तुम नेवला बन जाओगे और स्वयं नागराज तुमसे लड़ने आएंगे। तो बोलो, बनना है नेवला? ये तो मेरे तोते बड़ा गई, नेवला बन के कैसे लगूंगा मैं? नहीं नहीं, परंतु पहली बार ये प्रेम अंगोछा पहनकर पता नहीं क्यों बुरा नहीं लग रहा है, मन में हिलोरे उठ रहे हैं, कहीं ये प्रेम तो नहीं, शायद प्रेम ही है। गोलू, मेरे प्यारे गोलू, गोलू मुझे दिखाओ कि राजा भोज शंख लोक में पहुंचकर क्या कर रहे हैं। अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी मर्यादा और प्राण बचाने वाले हे दक्षिणमुखी शंख, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ से निकालूंगी, इस अंधकार से बाहर। नहीं निकल सकती तुम बाहर यहाँ से, मत से गंदा। कदापि नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम मेरी बंदी हो, इस अंधकार के राजा अंधकासुर की बंदी हो। अंधकासुर, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने से नहीं रोक सकते। यदि यह अहंकार है तो कोशिश कर लो, यदि तुम्हें प्रकाश की एक किरण भी मिल जाए कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल ले, तो यह अंधकासुर तुम्हारा दास होगा, मत से गंदा। अंधकार का वातावरण बहुत ही भयावह होता है। यदि मन में साहस और विश्वास हो तो बाहरी अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने विश्वास और साहस के प्रकाश के बल पर यहाँ से चली जाओगी, यहाँ के हमारे अंधकार के साम्राज्य को छोड़कर चली जाओगी। अवश्य जाऊंगी। मूर्ख सुंदरी, तुम्हारे पास बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, शंख असुर से विवाह। उस असुर से मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। फिर तुम मरोगी, इसी अंधकार में मरोगी, ना सृष्टि का प्रकाश देख पाओगी और ना ही अपने जीवन का प्रकाश। अंधकासुर, तू अपने जिस अंधकार पर इतना दम कर रहा है वो अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा, तू अपने ही अंधकार के गर्त में डूबेगा, अपने ही अंधकार के, और तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं देवी, अब ये अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं। नहीं दक्षिणमुखी शंख, इसका अंत होगा, अवश्य होगा, कोई आएगा, कोई शीघ्र ही आएगा धर्म का प्रकाश लेकर, जो अंत करेगा इस घमंडी अधर्मी अंधकासुर का। यही है शंख लो, तो मुझे सबसे पहले उन शंखों को खोजना होगा जिन्हें शंखासुर ने बंदी बनाया, और कहां होंगे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।